और अब खबर धौलपुर से है, जहां निहालगंज थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में बजरी माफिया और पुलिस एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। इस कार्रवाई में दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस ने बजरी माफियाओं की घेराबंदी कर दी, दो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त भी कर लिया और साथ ही दो माफियाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस और बजरी माफियाओं में हुई मुठभेड़ से कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। वहीं करीब आधा दर्जन बजरी माफिया मौके से फरार भी हो गए हैं और फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी फसल कटने से क्या है, जगह जगह इन्होंने रास्ते बना लिए हैं, कच्चे रास्ते खेतों में से बन गए हैं। इस कारण से फिर से इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं, तो उनको अब प्लानिंग करके हम फिर से इन पर प्रभावी कार्रवाई करें। आज इन्होंने मेरी गाड़ी पर पथराव करके गाड़ी का विंडो स्क्रीन तोड़ दिया, फायरिंग की, उसके बाद में जवाबी इनके ट्रैक्टर के पीछे से गनमैन के द्वारा फायर करके ट्रॉली का टायर फोड़ कर इनको पकड़ा गया। दो लोग पकड़े जिनके खिलाफ हमने मुकदमा रजिस्टर्ड। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।